गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर नंबर 3, अम्बा और भीष्म। इसकी मैंने अभी आपको स्टोरी समझाई थी, तो आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको बता रही हूँ, तो उन पे ध्यान दीजिए। इनको आपको क्लियर कॉपी में करना है, साफ से अच्छे से राइटिंग में। जो कई लोगों की राइटिंग बहुत ख़राब है, सो प्लीज़ राइटिंग इतनी गंदी मत लिखिए, थोड़ा सा साफ राइटिंग में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। शांतनु के पश्चात हस्तिनापुर का राजा कौन बना, यानी कि जो राजा शांतनु थे उनकी मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर किसको बैठाया गया। तो आंसर है, शांतनु के पश्चात हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीण बने, जो कि उनके छोटे पुत्र थे। और चित्रांगद जो थे, मैंने बताया था जब स्टोरी बताई थी कि उनकी बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, और उस समय विचित्रवीण बहुत ही उम्र छोटी थी, तो जो है उस समय उनको राज सिंहासन पर ना बैठा कर सिर्फ राजकुमार घोषित किया गया, और उनके राजकाज को किसी और ने देखा था। किसने देखा था, ये आपके अगले क्वेश्चन के आंसर में आपको मिलेगा। विचित्रवीण के बड़े होने तक हस्तिनापुर का राजकाज किसने संभाला। विचित्रवीण के बड़े होने तक हस्तिनापुर का राजकाज भीष्म ने संभाला। भीष्म पितामह थे, उनका उन्होंने जो है राजकाज संभाला। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, विचित्रवीण के विवाह हेतु भीष्म स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए कहाँ गए थे। यानी कि जो भी विचित्रवीण का जब विवाह होना था तो उस समय कहाँ भीष्म पितामह जो हैं एक जगह सम्मिलित होने गए, और जहाँ पे राजकुमारियों का स्वयंवर हो रहा था, वो जगह थी काशी। तो विचित्रवीण के विवाह हेतु, पूरा आंसर जो है, विचित्रवीण के विवाह हेतु भीष्म स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी गए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आते हैं 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भीष्म काशी राज की तीनों पुत्रियों, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे तीनों राजकुमारियों के नाम लिखे हैं, अम्बा, अम्बालिका और अम्बिका, को बलपूर्वक हस्तिनापुर क्यों लेकर आए। तो क्योंकि भीष्म को तो विवाह करना ही नहीं था, तो वो क्यों लेकर आए, उसका आंसर अब आपको यहाँ पे नीचे इसमें मिलेगा। भीष्म काशी राज की तीनों पुत्रियों को बलपूर्वक हस्तिनापुर इसलिए लेकर आए क्योंकि राज दरबार में बैठे सभी राजकुमारों और स्वयं काशी राज की पुत्रियों ने भीष्म का मजाक बनाकर उनकी अवहेलना की थी, यानी कि बेइज्जती की थी। तत्पश्चात भीष्म ने सभी राजकुमारों को युद्ध में पराजित किया। यानी कि भीष्म, ये तो सभी को मालूम था कि भीष्म को विवाह नहीं करना है, तो जब ये स्वयंवर में पहुँचे तो लोगों ने इनकी हंसी बनाई, और उनके हंसी में जो राजकुमारियाँ थीं उन्होंने भी उन राजकुमारों का पूरा साथ दिया। तो इससे जो है भीष्म पितामह को थोड़ी सी बेइज्जती महसूस हुई, और उन्होंने सभी राजकुमारों को युद्ध में पराजित किया, और पराजित करके बलपूर्वक तीनों राजकुमारियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोम नरेश शाल्व ने भीष्म से युद्ध क्यों किया और युद्ध में पराजित कौन हुआ। तो आंसर, यानी कि सोम देश के जो राजा थे उन्होंने भीष्म के साथ युद्ध क्यों किया और उस युद्ध में पराजित कौन हुआ था। अब आंसर पे आते हैं, सोम देश नरेश शाल ने भीष्म से
से युद्ध इसलिए किया क्योंकि भीष्म अंबा को बलपूर्वक हस्तिनापुर लेकर जा रहे थे। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन एक बन सकता है आपका कि वो हस्तिनापुर अंबा को ही नहीं तीनों पुत्रियों को, तीनों राजकुमारियों को लेकर जा रहे थे, तो फिर शाल्व ने अंबा के लिए ही युद्ध करना क्यों उचित समझा? तो उसका आंसर भी आपको पता है, क्योंकि शाल्व देश के जो नरेश थे, सॉरी शाम देव के जो राजा थे यानी कि नरेश थे, वो अंबा से प्रेम करते थे, वो उनसे विवाह करना चाहते थे। और वे शाल्व, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में वह के बाद मैंने शाल्व लिखा है क्योंकि यहाँ पे नाम उन्हीं का आना चाहिए, अंबा से विवाह करना चाहते थे, किंतु इस युद्ध में शाल्व भीष्म के हाथों पराजित हो गए। यानी कि जब युद्ध हुआ तो भीष्म, वैसे भी सभी जानते थे कि ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पारंगत है अपने उसमें, तो ये उसमें, लेकिन फिर भी शाल्व नरेश ने अपनी प्रेमिका को उनसे बचाने के लिए, उनसे छुड़वाने के लिए उनसे युद्ध करना मुनासिब समझा कि मैं युद्ध करके अपनी जो प्रेमिका है यानी कि जो अंबा है, मैं उनको बचा लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, उन्होंने वो उनसे हार गए और इस कारण से अंबा को भी भीष्म के साथ हस्तिनापुर तक पहुँच गई थी। ये आपके हैं 5 क्वेश्चन, इसके आगे की भी क्वेश्चन हैं अभी और, तो अभी फ़िलहाल आप 5 कीजिए, नेक्स्ट उस पर मैं आपको आगे के क्वेश्चन करवाऊँगी। तो इनको आपको फेयर कॉपी में करना है और फेयर कॉपी में करके इनको अच्छी राइटिंग में लिखना है, ये ध्यान देना बेटा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत गंदी राइटिंग में लिखते हो, जो लोग बहुत गंदी राइटिंग है सो तो थोड़ा सा अपनी पेन को थोड़ा सा साथ के लिखेंगे तो राइटिंग अच्छी भी हो सकती है ना। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर जो है चैप्टर नंबर 3 के प्रश्न उत्तर, ठीक है, और यही आपको याद भी करने हैं। और इन 5 क्वेश्चंस में जो मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में यही 5 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं एक 5 को, इन 5 के मैं अभी यहीं पे आपको जो है 5 के 10 क्वेश्चन करके दिखा सकती हूँ। बट आपको, मैं इस समय हम क्लास में नहीं हैं, अन्यथा मैं ये भी करके आपको दिखा देती। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करिएगा, इसमें एक्सरसाइज, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे ज़रूर पूछते हैं जब मैं देती हूँ, मैम इसमें एक्सरसाइज नहीं है, इसमें कुछ और नहीं करवाया जाएगा। सो प्लीज़ बच्चों, वीडियो को कंप्लीट देखा करिए कि एक्सरसाइज, अब आप लोग 7th क्लास में आ गए हो तो अब एक्सरसाइज नहीं करवाई जाएगी, बस यही क्वेश्चन आंसर हम आपको करवा रहे हैं। इन्हीं से ही हम क्वेश्चन, इन्हीं से हम आपके लिए ट्रू फॉल्स भी बनाएंगे, इन्हीं से आपको टिक द करेक्ट आंसर भी बनाएंगे, हम चूज द करेक्ट आंसर भी बनाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी बनवाएंगे, इन्हीं क्वेश्चंस से बनेंगे। तो आपको चैप्टर रीडिंग, चैप्टर्स को समझना बहुत 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 ज़रूरी है, चाहे फिर वो महाभारत हो, चाहे फिर वो आपकी बसंत हो, कोई भी हो, प्लीज़ अच्छे से चैप्टर्स को पढ़िए। नहीं समझ में आता है आप दोबारा क्वेश्चन कीजिए, मैं क्वेश्चन के आंसर देती हूँ आपको। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू।